20 जून को रायगढ़ भाजपा के आधार स्तंभ एवं सदैव रायगढ़ की जनता के हितों की आवाज को बुलंद करने वाले जननायक स्वर्गीय रोशन लाल अग्रवाल की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर भाजपा परिवार द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। 20 जून को रायगढ़ भाजपा के आधार स्तंभ एवं रायगढ़ जनता के हितों की आवाज को बुलंद करने वाले जननायक स्वर्गीय रोशन लाल अग्रवाल की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर भाजपा परिवार द्वारा अपने नेता के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, तो दूसरी तरफ ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन उनके समर्थकों द्वारा स्टेशन चौक पंचायती धर्मशाला में किया गया है। वहीं स्वर्गीय रोशन लाल अग्रवाल के समर्थकों द्वारा मुखबधिर स्कूल में जाकर वहाँ के बच्चों को फल एवं मिठाई का वितरण किया गया, जिसके बाद रायगढ़ भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जिला भाजपा परिवार के द्वारा किया गया, जहां सभी वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ साथ जिले भर के उनके समर्थक पहुंचकर अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। और भाजपा ने यह माना कि रोशन लाल अग्रवाल का जाना भाजपा के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ करता था और कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा, तब रोशन लाल अग्रवाल जैसे नेता ही भाजपा को सत्ता तक पहुँचाने में अहम भूमिका अदा की। सभी ने अपनी नम आंखों से अपने नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। अविभाजित रायगढ़ जिले के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं रोशन लाल जी। रायगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं रोशन लाल जी। निश्चित रूप से आज हम उनकी जन्म जयंती को मना रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया था, वहीं जनकर्म परिवार की ओर से रायगढ़ पंचायती धर्मशाला में रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा गया है। रोशन लाल जी तो नहीं रहे, लेकिन निश्चित रूप से उनकी स्मृतियां भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं में आजीवन बने रहेगी।